हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तनु पंकज तिवारी पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अपने अंकल जी के घर जो गई थी उस वीडियो में, ये तो वहाँ से इसलिए वापस आई थी क्योंकि हमारे घर में जागरण है। जी हाँ, तो बस जागरण में जाने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं और बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। जागरण पूरी रात होगा, खूब ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं हम लोग। तो आप भी हमारे साथ मस्ती करते रहिए और माता रानी के घर बैठे दर्शन करते रहिए और जागरण का पूरा आनंद लीजिए। और कैसा आपको जागरण लिखा, अच्छा लगा या नहीं लगा, वहाँ की झांकी कैसे लगी, जो भी कुछ है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं वेट करती रहूँगी कि हमारे ऑडियंस को हमारा जागरण ब्लॉग कैसा लगा, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर पंखुड़ी और उनके भाई दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पंखुड़ी को गोदी में उठा लिया क्योंकि वो शूज़ लेकर उसका चिढ़ा रहा है कि मैं तुमको शूज़ नहीं दूंगा। यही सब बात चल रही और काफ़ी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुँचेगी क्योंकि अब जागरण शुरू ही हो गया। बोलिए प्रेम से, बोलिए जय माता दी। बातचीत कर रहे हैं तो मैंने पापा से पूछा कि पापा बगल में जो लोग दिख रहे हैं ये कौन है। तो पापा ने बताया कि बेटा जो मंडली के लोग आए हुए हैं, कुछ लोग उनमें से झांकी निकालने का काम करते हैं, जो भगवान जी बनते हैं गणेश लक्ष्मी और क्या कहते हैं कृष्ण भगवान राधा जी यही सब, तो उसके लिए वो सब बैठ कर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तैयार क्या क्या है, जो पूरा का पूरा मेकअप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ शूट कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, पर ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वीडियो को दूर से जूम करके शूट किया। तो आप लोग देखिए, वाकई में इन्होंने बहुत अच्छी झांकी निकाली। इसको देखने के लिए आप जागरण में पूरे देर तक बने रहिएगा। दोनों हाथ खोल के एक बार बोली सच्ची दरबार की, बोली मैया के प्यार की जय हो। अब लगा कि जागरण हो रहा है। सनातन धर्म में माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन आज इस धरती पर कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं, मैं उनको बदनसीब कहता हूँ, जिनके माता पिता हैं वो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, है ना? बोली सच्चे दरबार है कि बात अच्छी लगी तो तालियां बजा दिया करिए, मुझे पता लग जाएगा आप लोगों को उनके लिए क्या कहना है। हमारे बाबू जी बैठे हैं पीछे कि जो तेरे साथ रह के कट जाए, जो तेरे साथ रह के कट जाए वो सजा फिर सजा नहीं लगती, और जिसने माँ बाप को सताया हो उसको कोई दुआ नहीं लगती। ताली बजाओ, वाह वाह। कहते हैं कि जब माँ बहुत गुस्से में होती तो क्या करती मालूम आपको? अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चार पंक्तियां पढ़ना हो समझना कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो दे। अष्ट
आवाज़ नहीं सकता।